हाँ गुड, कौन बोले? क्वेश्चन यहाँ एक एराइस हो सकता है, जो कौन सा गाड़ी है जिसमें सस्पेंशन नहीं होता है? तो ट्रैक्टर। कोई ऐसा गाड़ी का नाम बताइए जिसमें सस्पेंशन ना हो, तो उसमें आप लिख सकते हैं ट्रैक्टर। लिखना पढ़ना बंद करो, केवल कमर सीधा करके हमको सुनिए। बाद में जब आप लोगों को बोलेंगे लिखने के लिए, आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर? लकड़ी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है। लकड़ी को लचक देखे हैं कभी? सस्पेंशन का मतलब हुआ वैसा कोई भी जुगाड़, समझ लीजिए, वैसा कोई भी जुगाड़ या टेक्नोलॉजी जो कि शॉक को ऑब्जॉर्व करता है। शॉक को ऑब्जॉर्व करता है, झटका लगा उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, उसको सस्पेंशन कहते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस ऑल्सो, ठीक है? हाँ, शॉक ऑब्जॉर्व हो रहा है। क्लियर है? समझ गए? तो कुछ भी वैसी व्यवस्था, वैसी टेक्निक जिससे कि शॉक ऑब्जॉर्व हो, उसे सस्पेंशन कहते हैं। जनरली जो प्रकार के सस्पेंशन आपको मिलते हैं, आप लोग जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं या जो डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है, उन सस्पेंशन का चर्चा करते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है? आप सस्पेंशन का क्लास किए थे? अच्छा, ठीक। तो आप उस सस्पेंशन को समझिए। मार्कर कहाँ है बुआ? चलिए, पहला प्रकार जो हुआ सस्पेंशन का, उसको सुनिए। पहला प्रकार होता है सेमी एलिप्टिकल लीफ सस्पेंशन। आप देखते होंगे ऐसे अर्धचंद्राकार, नहीं? बहुत सारे गाड़ियों में जिसको पत्ती आप लोग कहते हैं ना, ऐसे रहता है, ऐसे। हाँ, सबसे ऊपर सबसे बड़ा रहता है, उसके बाद छोटा कंटिन्यू होते जाता है। तो इसको क्या कहेंगे आप? इसका नाम क्या है? ये सस्पेंशन का एक प्रकार है, इसका नाम क्या है? इसको सीधे पत्ती कह सकते हैं आम भाषा में, लेकिन अगर वहाँ आरटीओ साहब हैं या कोई अधिकारी हैं जो कि आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और वो पूछ दिए, जो आप जो गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए आपने बताया मैं बोलेरो डी आई चलाता हूँ, या सुमो में भी पीछे है? नहीं, या बहुत सारे स्कॉर्पियो में भी पीछे है। तो आपसे पूछा गया साहब से, जो आप जो गाड़ी चलाते हैं उसमें कौन सा सस्पेंशन यूज़ होता है, पूछ सकते हैं? तो आप क्या बताएंगे उसमें? जो सर, उसमें पत्ती वाला सस्पेंशन यूज़ होता है। ऐसा एक नॉर्मल जवाब आता है, लेकिन उसी के बदले आप अगर ये कहें कि सर उसमें सेमी एलिप्टिकल लीफ सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इतना ज़रूर है कि अगला अधिकारी ये समझेंगे कि ये केवल ड्राइवर ही नहीं है, एक पढ़ा लिखा ड्राइवर है। तो इस चीज़ का बोनस पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि अभी जो ड्राइवर्स का बहाली है उनमें रिटन टेस्ट होने का मतलब यही है कि आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ड्राइवर पे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है। नहीं तो आपके जो अधिकारी हैं वो आपको डिटेलमेंट दे दिए, व्हाट्सएप पे भेज दिए, मान लीजिए कुछ चीज़, जो बेटा यहाँ से यहाँ आ जाइयो, ऐसे ऐसे ये काम बीच में करते हुए। अब अगर वैसा ही कोई लेमैन टाइप का ड्राइवर होगा तो उसको न गूगल मैप यूज़ कर पाएगा, ना आधिकारिक जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको सही ढंग से टेक्निकली इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो वैसे में
अधिकारी को दिक्कत होगा और ड्राइवर के दिक्कत से बहुत सारे दिक्कतें आ सकती हैं, व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं, है कि नहीं? हाँ, तो आप उनको जवाब दिए कि सर हम जो गाड़ी चढ़ते हैं उसमें पीछे तो सेमी एलिप्टिकल लीफ सस्पेंशन यूज़ होता है, आगे स्प्रिंग सस्पेंशन यूज़ होता है, ऐसा कह दिए आप, तो साहब कहेंगे हाँ कुछ क्वालिटी है लड़का में। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन आप गलत भी नहीं भी बता पाए तो हो सकता है अच्छे अच्छे जानकार लोग भी कुछ छोटी छोटी बातें मिस कर जाते हैं, नहीं ध्यान आता है। मैं आपको जब इंटरव्यू का सेकंड फेज का क्लास लूँगा, ये बहुत लोगों का तो फर्स्ट फेज का क्लास भी नहीं हो पाया है, तो उसमें बताऊँगा कि इन केस अगर आप को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, तो उस परिस्थिति में आप उनको सीधे ऊपर नीचे ये तोड़ते मट्टा तोड़ते हैं ना आप लोग, ये सब ना करके उनको सीधे क्या जवाब देना चाहिए? सॉरी सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है अभी, इसका मतलब ये कि आपको आता था, अभी प्रेशर में वो भी समझ सकते हैं कि बच्चा इंटरव्यू देने आया है, बहुत सारा प्रेशर है, इसमें अभी इसको ध्यान नहीं आ रहा होगा, ये जवाब कि हमको नहीं आता है, ये जवाब कि सॉरी सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, इसमें अंतर है और काफ़ी अंतर है, और ये छोटी छोटी अंतर आपको बड़ा बेहतर रिजल्ट देने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चल रहा है बुआ पक्का? तो फर्स्ट वैरायटी जो है आप ऐसा वाला जो देखते हैं ये हो गया, ठीक, इसको क्या कहते हैं? सेमी एलिप्टिकल लीफ सस्पेंशन। ठीक है, सेमी का मतलब आधा, सेमी सर्किल होता है, एलिप्टिकल मतलब सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स ऐसा पढ़े होंगे, नहीं ग्रहण, नहीं ग्रहण नुमा ही है ना, जिस समय ग्रहण लगा रहता है तो वैसे ही दिखता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, अब दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है उधर, चलो। तो एलिप्टिकल समझ गए, लीफ मतलब लीफ पत्ती, पत्ती जैसा ही तो होता है पत्ता, सस्पेंशन मीन्स वो शॉक ऑब्जर्वर। ठीक है, क्लियर है? हाँ, दूसरा पॉइंट आता है बॉगी सस्पेंशन। इसका इसको उल्टा पत्ती भी कहते हैं, ये उल्टा पत्ती, इसको उलट दीजिए ऊपर बड़ा, सॉरी ऊपर छोटा दे दीजिए, ठीक है, अंतर है कुछ? क्या अंतर दिख रहा है? ये सीधा है और नीचे छोटा, नीचे बड़ा है, ऊपर इसमें ऊपर बड़ा है और थोड़ा कर्व्ड है। ठीक है, इसको उल्टा पत्ती या बॉगी सस्पेंशन कहेंगे। ठीक, अब इसका इस्तेमाल तो जनरल जो आप लोग फोर व्हीलर वगैरह यूज़ करते हैं, बस वगैरह है उसमें यूज़ होता है, लेकिन ये जो है हेवी ड्यूटी करने वाले ट्रकों में यूज़ होता है जनरली। ठीक है, कहाँ? जो भारी भरकम काम करने वाले जो भी गाड़ी हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, इससे क्या होता है कि गाड़ी का ये जो सस्पेंशन है ये जल्दी डैमेज नहीं होता है और गाड़ी फंसता नहीं है, कभी भी ये
छः चक्का में यूज़ नहीं होगा, 10 चक्का से ऊपर में ही यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये नीचे बड़ा वाला है तो ये क्या करता है कि अगर 10 चक्का है तो उसमें अगला चक्का अगर दब गया तो ये इस चक्का को उठा के रख लेता है, इसके सहारे फिर गाड़ी निकल जाता है। अच्छा, इसमें लचक कम होता है क्योंकि इस पर बहुत भारी भारी वजन और बहुत ज़्यादा गड्ढों में इसको जाना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। सबसे कम झटका ऑब्जर्व करने वाला सस्पेंशन बॉगी सस्पेंशन ही है, क्लियर। अब थर्ड जो है स्प्रिंग सस्पेंशन। आपका मोटरसाइकिल का अगला जो शॉकर होता है या पिछला, उसमें कौन सा सस्पेंशन यूज होता है? केवल और केवल स्प्रिंग सस्पेंशन ही यूज होता है। आप देखते होंगे आगे वाले शॉकर में भी जो पाइप रहता है वो पाइप के अंदर स्प्रिंग रहता है, ठीक है। जब वो खुलते, कभी सर्विस करवाए हैं अगले शॉकर का, या शॉकर लीक करता होगा तो आप लोग खोल के देखते होंगे तो उसके अंदर भी स्प्रिंग रहता है। तो ये कौन सा सस्पेंशन हुआ? स्प्रिंग सस्पेंशन, क्लियर है। मोटरसाइकिल हुआ आपका सुमो का, अगला जो सस्पेंशन है वो स्प्रिंग सस्पेंशन है, और जो भी लग्जरियस गाड़ी हैं जनरली उसमें यही सस्पेंशन यूज होता है, अंदर स्प्रिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर है। अभी जो लेटेस्ट जो भी गाड़ियां हैं उसमें मैक्सिमम स्प्रिंग सस्पेंशन यूज़ हो रही हैं, क्लियर। इसके बाद आता है कौन सा? एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन कहाँ यूज होता है? एयर फिल्टर में, एयर बैग, हाइड्रोलिक, ओए किस चीज में? ट्रेन, उसमें स्प्रिंग सस्पेंशन रहता है ट्रेन में, देखते होंगे मोटा मोटा स्प्रिंग सब। एयर सस्पेंशन मोस्टली अभी जो खूब लग्जरियस जो बसें हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, एयर सस्पेंशन का। एयर सस्पेंशन का काम ऐसे होता है कि जो एयर कंप्रेसर है बस में उसका बॉडी वेट एक बैलून नुमा बना रहता है, उसके अंदर में बहुत हैवी होता है, वो इतना हैवी होता है कि गाड़ी का पूरा बॉडी का वेट उसको होल्ड कर सकता है, चेचिस नहीं बॉडी वेट, प्लस पैसेंजर्स प्लस सामान इसको बेहतर तरीके से होल्ड कर सकता है, इतना ज़्यादा मजबूत होता है। ये आप देखते होंगे बस स्टैंड वगैरह पे एयर सस्पेंशन लिखा रहता है बस पे, लंबी लंबी गाड़ियाँ बड़ी सुंदर सुंदर उस पर लिखा रहता होगा, ध्यान से पढ़िएगा एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन सबसे स्मूथ और ओए लिख लेना, बोर्ड भी यही है, कमर सीधा करके बैठ जाइए ज़्यादा बेहतर होगा, सट सट दिमाग में घुसेगा और वहीं रह जाएगा, नहीं तो सट सट घुसेगा और फटफट निकलेगा, फिर वहाँ पूछेगा तो कहोगे तो उस दिन तो क्लास में कुछ कुछ बोल रहे थे सस्पेंशन के बारे में, कुछ कुछ बोल रहे थे, हाँ कुछ तो था, अब सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, सर एक चीज़ और बोले थे कि नहीं आएगा तो बोल देना ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्यों नहीं वही बोल दे,
अरे कहाँ फेरा में फंसे, वो चार वैरायटी इधर कहाँ किसका काम है, कौन कहाँ लगेगा, ये सब का याद करें। सर एगो बात जरूर बोले थे, वो तुरंत याद आ गया है, क्यों ना हम उसको तुरंत बोल दें, बोल देते हैं जो ये बात बोलेंगे ना तो हमको बड़ी पॉजिटिव समझेगा। जो हमको नॉलेज तो है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, नहीं है क्या बोलेंगे, सॉरी सर पढ़ाए तो थे सर लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है, क्या करें। ये बात लास्ट ऑप्शन है, उससे पहले पढ़ लीजिए जो ऐसा बात बोलने का कम चांस मिले, ठीक है, समझ गए। तो आप लोग देखेंगे, कभी ऑब्जर्व करें या ना करें, कभी मौका मिले तो देखिए कि जो बसें होती हैं एयर सस्पेंशन वाली बसें, वो जब बस बंद रहती है और दो चार घंटे बंद हो जाती है, बस खड़ी रहती हैं, तो उसका बस का जो हाइट है ना वो कम जाता है। बस अगर यहाँ था तो यहाँ से ऐसे हो जाए। चक्के और बॉडी के बीच का जो डिफरेंस होता है, मोटर गार्ड जिसको कहते हैं ना, चक्के और बॉडी के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो कम जाएगा। कारण ये बैलून पे जो लटका हुआ था, मतलब उठा हुआ था बस, वो क्योंकि एयर सस्पेंशन है, एयर डाउन हुआ तो बॉडी डाउन हो गया, चेचिस सेम रहेगा, चेचिस नहीं डाउन होता है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस नहीं कमता है, गाड़ी का बॉडी टू चेचिस का जो डिफरेंस है वो कम जाता है, समझ गए। बॉडी के ऊपर नहीं, बॉडी और चेचिस के बीच में रहता है एयर सस्पेंशन, ठीक है। और एयर कंप्रेसर जो होता है, एयर कंप्रेसर मतलब समझ लीजिए पंप। एयर कंप्रेसर क्या है, ट्रकों में एयर कंप्रेसर रहता है क्योंकि उसका एयर ऑपरेटेड ब्रेक सिस्टम रहता है, एयर ऑपरेटेड क्लच सिस्टम रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें एयर ऑपरेटेड रहती हैं, एयर ऑपरेटेड ब्रेक सिस्टम जो होता है वो पढ़ाएंगे, अभी होगा तो अभी टाइम मिलता है तो अभी पढ़ा देंगे, लेकिन दिमाग में भी जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एयर सस्पेंशन। तो बस क्या, जैसे ही स्टार्ट हुआ, कंप्रेसर जो आप लोगों का हवा वगैरह नहीं बनाता है, चक्का वगैरह में भी हवा देता है, दुकान वगैरह पे देखते होंगे, सेम कंप्रेसर वैसा ही थोड़ा अच्छा वाला लगा रहता है, उसमें दो देखते होंगे हवा टंकी भी रहता है। हवा टंकी क्या करता है, वो हवा को स्टोर करके रखता है, ठीक। अच्छा, कंप्रेसर तो हवा बना रहा है, कभी गाड़ी को छींकते हुए सुने हैं, जैसे आप लोगों को छींक आता है वैसे ही ट्रक वगैरह छींकता है, नहीं, और छींक के फिर स्थिर हो जाता है, होता है क्या है वो, हाँ कभी सोचे हैं, हाँ एयर ब्रेक, क्या एयर छोड़ता है, जैसे चलते चलते नहीं छोड़ते हुए देखे हैं, चलते चलते भी छोड़ता है। होता क्या है उसको समझिए, जो कंप्रेसर टैंक में भर रहा है हवा, ठीक है, आखिर टैंक का भी कैपेसिटी होता होगा ना, हाँ कंप्रेसर ये तो नहीं है जो अब ड्राइवर हमेशा वो मीटर देखता रहेगा और कंप्रेसर ऑन ऑफ करता रहेगा, और हवा अगर कम रहेगा तो उसका ब्रेक कमज़ोर हो जाएगा, तो हवा भी पर्याप्त रहना चाहिए, हमेशा फुल भी रहना चाहिए, और वो हमेशा ऑन ऑफ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसके टैंक से कनेक्टेड एक वाल्व रहता है, क्या वॉल्व, जैसे ही ये कंप्रेसर है, दिखाई दे रहा है बुआ,
कंप्रेसर, ये कंप्रेसर क्या किया, इस टंकी को हवा भरा। ये टंकी को हवा भरने से क्या हुआ, जो इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी था जब वो फुलफिल हो गया, तब क्या हुआ, जो ये पाइपलाइन में आया और ये वाल्व जो है, ये वाल्व प्रेशर, ये प्रेशर रेगुलेटेड वाल्व होता है, PRV, क्या PRV, प्रेशर रेगुलेटेड वाल्व होता है। ये PRV क्या करता है कि इसको फैला देता है, खोल देता है, जैसे ये अभी मुंह खोल रहा है। क्या नींद आ रहा है, ये कौन सा तरीका है बैठने का, मेरे क्लास में फालतू तरीका से मत बैठना, बथान में नहीं बैठे हो, हाफी ले रहा है बैठ के, इधर इंटरेस्ट नहीं है तो बाहर जाके खड़े हो सकते हो। PRV समझे, प्रेशर रेगुलेटेड वाल्व। हाफी आने का मतलब समझते हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर सिलेबस और व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। गर्लफ्रेंड के सामने कभी हाफी नहीं लोगे, हम जानते हैं, अगर पहली बार मिल गई तो। इमरजेंसी कंडीशन में कभी हाफी लेते हो, हाँ क्यों, बिकॉज यू आर अलर्ट। योनिंग इज कंप्लीट साइन ऑफ योर कैजुअल एटीट्यूड। आप अगर हाफी ले रहे हो, इसका क्लियर सिम्टम है कि आप अलर्ट नहीं हो, आप कैजुअल हो, लापरवाह हो, ये एकदम क्लियर साइन है। बिग स्टडी इज गोइंग ऑन इन दिस। अब कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ इमरजेंसी आया हो, कहीं से कुछ वैसा फोन आया हो, ऐसे हाफी ले रहे हो, ऐसे कभी हुआ है, हाँ? आपके मान लो आपकी बहन का शादी है, बारात आ रहा है, उस समय हाफी लोगे आप? यू आर हेयर टू मेक योर लाइफ, यू शुड बी अलर्ट ईच एंड एवरी टाइम। क्लियर है? कहाँ थे हम लोग? अब ये वाल्व क्या करता है, फ्लेक्सिबल रहता है, रबर का रहता है, ये खुलता है और जो एक्स्ट्रा प्रेशर था उसको निकाला और फिर बंद हो गया अपने आप ऑटोमेटिक। फिर उतना प्रेशर होगा तभी ये खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा। अगर ये वाल्व नहीं रहे तो ये टैंक ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है? अगर ये टैंक ब्लास्ट नहीं किया तो ये कंप्रेसर जो है ये खराब हो जाएगा, इसका मोटर जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा दबाव देना होगा और इधर तो फुल है ऑलरेडी, टैंक अगर फटता है तो कांड हो सकता है। ये वाल्व अगर खराब हो गया, अगर ढीला हो गया तो कंप्रेसर में भी हवा निकलता रहेगा, अब उससे क्या होगा, जो ब्रेक वगैरह कमज़ोर हो जाएगा। तो एक छोटा सा वाल्व का इतना बड़ा काम है कि गाड़ी का एक्सीडेंट तक हो सकता है इस वाल्व के कारण, बहुत इम्पोर्टेंट वाल्व है, समझे? ठीक है, तो एयर सस्पेंशन वाली गाड़ियों में इन सब चीज़ का बहुत अच्छा उपयोग होता है और उस पर लचक जो है बहुत अच्छा रहता है, कंफर्ट बहुत अच्छे लेवल का रहेगा, आप थकेंगे कम, बहुत कम थकेंगे, ठीक है? अच्छा एक चीज़ बताते हैं, ये जितने भी लग्जेरियस गाड़ी हैं आप देखते होंगे, ये लोग ज़मीन से बहुत कम उठे रहते हैं, कभी सोचे हैं क्यों? हाँ अच्छा, एक 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 कारण हमको बताइए, क्या आप लोग देखे होंगे विदेशों में जो गाड़ियाँ रहती है वो एकदम चिपका हुआ रहता है रोड से, मतलब बताता है जो विदेश का गाड़ी भारत में चल ही नहीं सकता है क्योंकि रास्ता सही नहीं है, स्पेशली कहता है जो बिहार में नहीं चल सकता है। तो
क्यों नहीं, क्यों उसको ऊंचा करके क्यों नहीं बनाता है? हाँ, ये क्या फैशन के लिए एकदम सटा के बनाता है? दिक्कतें तो विदेश में भी आ सकती हैं यार, ब्रेकर्स, और जितना ऊंचा रहे उतना ठीक है ना। हाँ, तो क्यों एकदम धरती से चिपका हुआ बनाया जाता है कार को? जो हाई फाई लग्जरियस कार देखेंगे, एकदम खतरनाक वाला कार सब, वो सब एकदम धरती से लगेगा जो ट्रक के नीचे से घुस जाएगा, घुस के पार हो जाएगा, वैसा कार क्यों? मेरा सिविक देख लीजिए, वो एगो कार है, वो भी एकदम नहीं, उतना भी नहीं है, लेकिन तब भी दिक्कत है। क्यों, कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं? ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस जानते हैं? क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि स्पेसिफिकेशन डिटेल जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें एक पॉइंट आएगा जिसमें लिखा रहेगा ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब चेंचिस और गाड़ी का, चेंचिस और धरती के बीच का जो गैप है उसको ग्राउंड क्लियरेंस कहेंगे। समझ में रहे हैं? उस गैप को ग्राउंड क्लियरेंस कहेंगे, ग्राउंड और चेंचिस के बीच का जो गैप है उस ग्राउंड क्लियरेंस। जितना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा उतना कम लग्जरी रहेगा, कंफर्ट उतना कम रहेगा। योर कंफर्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्या दोबारा बोलना? द्वित, द्वित, व्युत, 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 कर्मानुपाते। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बढ़ गया और कंफर्ट घट गया, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा कंफर्ट घटा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, ये आपका पेन है, देख रहे हैं इसका मूवमेंट जो है, फिजिक्स पढ़ते हैं आप लोग, अच्छे पढ़े लिखे हैं, इसका मूवमेंट इतना इतना है, इसका मूवमेंट ये इतना मूवमेंट के बावजूद भी ये इतने घूमते हैं मुश्किल से, इसका तो कम है ना। आप देखते होंगे जो तार का पेड़ का जो ऊपर वाला होता है, आंधी अगर आए तो पूरा ऐसे ऐसे करता है, और जड़ी क्या होता है? हल्का हल्का है, हल्का हल्का लचक, कोई स्प्रिंग को या कोई वैसा लचकदार डंटा लीजिए उसको ऐसे कर दीजिए। आइए सर, आपका ही इंतज़ार था, इसको ऐसे हल्का कर दीजिए, ऊपर वाला कितना ऐसे ऐसे झटका मारने लगता है, नीचे स्थिर रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होता है, आपका गाड़ी ऊंचा हो गया तो आपका खोपड़ी भी ऊंचा हो गया, ठीक है, आपका देह ऊंचा हो गया, ये भी ज़्यादा ऐसे ऐसे करेगा, समझे? क्योंकि धरती से हम ज़्यादा उठे हुए हैं, अब जर्किन आया, गाड़ी टेढ़ा हुआ तो हमारा बॉडी ज़्यादा टेढ़ा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो ये चीज़ ज़्यादा होगा, बशर्ते अगर ये बैठ गए तो ये थोड़ा कम होगा, समझ गए? तो इसीलिए उन सब जो स्मूथ लग्जरी गाड़ी हैं उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम किया जाता है, समझ रहे हैं? तो ग्राउंड क्लियरेंस कम रहेगा, थकान कम होगा, बहुत कम थकान होगा। आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े आदमी लोग, बड़े बड़े नेता लोग, मतलब लग्जरी गाड़ी चढ़ते हैं। लग्जरी गाड़ी चढ़ने का एकमात्र तात्पर्य ये नहीं होता है कि उसमें बड़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, उसमें बड़ी अच्छा व्यवस्था है, अंदर में घुसने के बाद बड़ी अच्छा फीलिंग आता है, केवल उस लिए नहीं लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं। हाँ, फॉर्चुनर हाइट है, तब हाइट है, उसमें सस्पेंशन या और व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा की हुई हैं, उसके बावजूद भी वो जो कार होगा
जिसमें उससे बहुत कम व्यवस्था में उससे ज़्यादा कंफर्ट देगा, ठीक है, तब भी वो डोलाएगा, तब भी वो थकाएगा फॉर्चुनर। तो वो ये लोग जो हैं बड़े बड़े लोग, ये लोग महंगा महंगा कार इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि लंबा लंबा डिस्टेंस। अब रोज़ अगर 200-300 किलोमीटर चलना है, आप कभी फील करते होंगे कि 50-60-100 किलोमीटर चलने के बाद बैठे ही तो रहते हैं गाड़ी में, उसके बाद भी थकान हो जाता है। क्यों थकान हो जाता है? क्योंकि सबका एक्सरसाइज होते रहता है, आपको पता नहीं चलता है। हल्के हल्के डोलते हैं ना, तो भर दिन डोलते रह जाते हैं ना, है? कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। आपको आधा घंटा एक घंटा एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें आप लोग थक जाते हैं, और गाड़ी आपको हमेशा एक्सरसाइज कराता रहता है। कभी ट्रैक्टर पे बैठ के जाइए, देखिए आपका कितना अच्छा एक्सरसाइज होगा। हैं क्या बस में? हाँ, पीछे वाले सीट पे एक्सरसाइज, कभी उठा देगा, कभी ऊपर चोट लगेगा, तो तनी एक्सरसाइज है भाई, इतना इतना उछाल दे देता है। अब सोचिए लगातार अगर उस ढंग का एक्सरसाइज, एक तरफ वो, दूसरे तरफ आप बैठ गए, जा रहा है और हल्का हल्का हिला, बस कहनो जरकिन में। तो इसीलिए कंफर्टेबल गाड़ियाँ बड़े बड़े लोग ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा चलना फिरना होता है तो थकान कम हो, ठीक है, इसलिए गाड़ियाँ महंगी होती हैं। समझ गए? अब तक ग्राउंड क्लियरेंस हो गया कंसेप्ट क्लियर, एयर सस्पेंशन हो गया क्लियर, कंप्रेसर हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर। टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, दे आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, सेमी एलिप्टिकल लीफ सस्पेंशन, बोगी सस्पेंशन, स्प्रिंग सस्पेंशन एंड एयर सस्पेंशन। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन इज एयर सस्पेंशन, सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल सस्पेंशन इज बोगी सस्पेंशन, और मोस्टली यूज सस्पेंशन इज सेमी एलिप्टिकल लीफ सस्पेंशन, और इन लेटेस्ट व्हीकल्स मैक्सिमम यूज सबसे पारंपरिक सस्पेंशन सेमी एलिप्टिकल लीफ सस्पेंशन। आप लोग टांगा वगैरह में भी देखते होंगे, देखे थे ना बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में टांगा पहले चढ़े हैं, टम 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 टम, हाँ, उसमें भी देखते होंगे, नहीं? हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया इतना? हाँ, अब गड़ा गड़ा श्वास लीजिए। अब गहरा सांस लेके इसको अंदर डाल लीजिए, दोबारा पढ़ना ना पड़े, नोट कर लीजिए, बुआ बंद करो।